हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ इस जोबियस के, यू नो, काजल की। तो इसके बारे में आपको बता देती हूँ मैं आज एक्चुअली। और प्लीज अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना फ्री होता है और वहां पे एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब मैं इस काजल की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये है जोवियस का न्यू सिग्नेचर काजल और मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने ये परचेज नहीं की थी बट मुझे ये ग्लैमिगो के बॉक्स में से मिली थी। मैंने सोचा चलो क्यों ना इसका रिव्यू शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ गाइस। सो इसे फटाफट ओपन कर, हाँ, प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये 190 रुपीज की है और इसका एक्सपायरी है 22 मीन्स जनवरी 22। तो ये 20 है तो 3 ईयर्स की सेल्फ लाइफ है इसकी, बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। और चलो ये यहाँ पे लिखा है डीपेस्ट ब्लैक एंड स्मज प्रूफ फ्री काजल। तो ये कितना डीपेस्ट है और कितना एक्स्ट्रा स्मूथ इसकी टिप्स दी हुई है, लिखा गया है एंड लास्ट 12 आवर्स तक आपके ये चलेगा। तो हम जस्ट इसे ओपन करके देख लेते हैं और आपके सामने ही इसे लगाऊंगी और आपको मैं बता देती हूँ एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक एंड टिप्स, जो कि आप जब काजल यूज करते हैं तो उसके पहले आपको अगर लॉन्ग लास्टिंग सच में रखना है, ये तो इसमें लिखी हुई बातें होती है कि ये 12 घंटे चलेगा 24 घंटे चलेगा। अगर आपको सीरियसली 12 घंटे और 24 घंटे इसे चलाना है तो आपको करना है एक काम, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जस्ट इसे ओपन कर लिया है, कुछ इस तरह का है, पिंक कलर का, यहाँ पे एक शाइनिंग कलर लिखा हुआ है जोवियस का, तो आप नकली और असली से बिल्कुल भी आप इसे पहचान सकते हैं। सो ये कुछ इस तरह से है और मैं जस्ट इसे ओपन कर लेती हूँ। पहले ये डैमेज तो नहीं है, हल्के से इसे मैंने, ओ वाओ ग्रेट, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं इसकी टिप को, ये रहा। सो इसे ज्यादा ओपन नहीं करेंगे, बस इतना ही ओपन करना है गाइज। और इसके बाद मैं आपको एक टिप्स बता देती हूँ, जब भी आप काजल यूज करते हैं ठीक है, पेंसिल काजल कोई भी काजल अगर यूज करते हो तो सबसे पहले काम करना है आपको, आपके पास एक ऐसी ब्रश होनी चाहिए जो कि आईज के ऊपर हम इसे फैला सके अच्छे से। मेरे पास है NYB की कंसीलर, मैं इसे यूज करूंगी। आपके पास जो भी कंसीलर है आप इसे यूज कर सकते हैं। सो मैंने जस्ट इस कंसीलर को लेना है, थोड़ी सी कंसीलर मैं लूंगी अपने ब्रश में। सो कुछ इस तरह से मैंने ये कंसीलर ले ली है, बहुत ज्यादा नहीं लेना। आप काजल यूज करना चाहेंगे और आंखों के ऊपर भी जैसे तो लाइनर यूज करते हैं, लाइनर को भी, काजल को भी लाइनर की तरह यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी लॉन्ग लास्टिंग होती है, बट ये वाली ट्रिक जरूर यूज करिए। सो मैं इसे कुछ इस तरह से अप्लाई कर लूंगी, ऐसे ऐसे आपको जस्ट अप्लाई कर लेना है आपके आंखों के ऊपर, जहां पे आप लाइनर लगाना चाहते हैं और जहां पे आप काजल लगाना चाहते हैं। हाँ, तो मैं मिरर लेकर आ जाती हूँ फटाक से। सो इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं सबसे पहले। जब भी आप काजल यूज करो तो डेफिनेटली ये वाली ट्रिक जरूर यूज करना गाइस। और इसे मैं अपने कॉर्नर के फिंगर से इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूंगी और उसके बाद सपोज अगर आपकी जो सिल्विया ये पलके हैं, अगर आपको इसे इनहेंस करना है तो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना मस्करा लगाइए, उससे भी आपकी जो पलके हैं आपको नकली पलक लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है और मैं आपको एक साइड करके दिखा देती हूँ गाइस। सो ये काजल को मैंने जस्ट लिया और यहाँ पे मैं अपने मिरर में देखते हुए करूंगी गाइस। और उसके बाद अपनी आंखों को इस तरह से बंद करना है, कॉर्नर से स्टार्ट करिए। वैसे ही मैंने एक वीडियो बनाई है गाइज, आप उसे चेक कर सकते हैं, पेंसिल लाइनर किस तरह से लगाए। अगर आप बहुत मोटा लगाना पसंद करते तो मोटा लगा सकते हैं, ये देखिए सच में ये बहुत ही अच्छी तरह से लगा। और आप थिक लगा सकते हैं अगर आपको थिक लगाना पसंद है, या फिर आप इसे थिन लगा सकते हैं, पतला करना भी अगर आपको पसंद है तो आप भी उसे कर सकते हैं। उसके बाद में पूरा अच्छी तरह से इसे आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना बोल्ड लगाया है और आप भी इसी तरह से काजल लगा सकते हैं। अब बारी आती है लाइनर की, तो मैंने लाइनर लगा ली, सॉरी, अब मैं काजल लगा के आपको दिखाती हूँ। सो काजल लगाते वक्त भी ये बहुत ही टाइम तक रहेगा गाइस, सीरियसली, और ये वाले ट्रिक जरूर यूज करिए। सो मैं काजल लगा के दिखाती हूँ आपको किस तरह का इसका
कितना पिगमेंटेशन है। रियली ग्रेट, और ये अच्छी तरह से लग गई है। तो आप देख सकते हैं मेरी दोनों आंखों में फर्क, और ये काफी टाइम तक रहेगा आपका जो भी काजल है। तो ये मैंने काजल यू नो अप्लाई कर ली है और बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली इसमें देखिए मैंने डार्क लगाई, इसमें बहुत लाइट लगाई है, तो आप जज कर सकते हैं।